हाँ वेलकम बैक टुडे आई एम टू टीच यू सेकेंड लेसन ऑफ नाइन्थ क्लास मैं नाइन्थ क्लास का सेकेंड लेसन पढ़ा रहा हूँ जो कि हमारा चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो देखिए द एडवेंचर ऑफ टोटो इस इस लेसन को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे अभी पार्ट वन है ये पार्ट वन में पार्ट वन में दे रहा हूँ और पार्ट टू इसके बाद मैं दूंगा ठीक है दो भाग में करके पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो ठीक है तो देखिए एडवेंचर का मतलब होता है कारनामे होता है तो उल, जब भी ऑफ लगा रहेगा तो उलट के हिंदी तोड़ते हैं तो हो गया टोटो के कारनामे क्या हो गया टोटो के कारनामे तो टोटो के कारनामे जो हुआ तो देखिए इसकी राइटर इसका राइटर जो है वो है कौन अच्छा कारनामे मतलब समझ गए ना एक बंदर है जिसका नाम टोटो है उसी के कारनामे के बारे में पढ़ना है ठीक है इसका नरेटर अगर कोई पूछेगा कौन है तो रस्किन बॉन्ड कौन है रस्किन बॉन्ड ठीक है तो जो इस कहानी में ऑटोबायोग्राफी के रूप में बताया है आत्मकथा के बारे में अपने ऑटोबायोग्राफी के रूप में का किया है बताया ठीक है ठीक है तो नरेटर है और नरेटर के दादाजी हैं ग्रैंड फादर है अच्छा ग्रैंड मदर भी है ठीक है लेकिन ये दोनों का नरेटर का और ग्रैंड फादर का मेन कैरेक्टर इस कहानी में है यही दो गो आपको ज्यादा सीखने को जानने को कहा होगा इसके बारे में मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले मैं कहानी को बताता हूँ कि कहानी को समझने से पहले आपके पास बुक होगा तो देखिए जो रेड वाला लिखा रहता है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी में क्या चीज के बारे में पढ़ रहा है पढ़ना है तो मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ देखिएगा करा कि हैव यू हैव यू इवर हैड बेबी मंकी एज अ पेट करा के हैव यू इवर मैंने क्या आपके पास कभी हुआ है हैड क्या आपके देखिए हैव यू इवर हैड का मतलब क्या आपके पास कभी हुआ है अ बेबी मंकी मैंने एक बंदर का बच्चा तो टोटो कौन है एक बंदर का बच्चा है एज अ पेट का के रूप में पालतू के रूप में ठीक है तो करा क्या क्या आप कभी एक बंदर के बच्चे को पालतू जानवर के रूप में कभी रखे हैं ये हमसे हमको क्या करना है तो हमसे कह रहा है नरेटर कह रहा है मतलब रस्किन बॉन्ड कर रहा है जो इस कहानी में भी बच्चा बच्चे के बच्चा के रोल में है वो हमसे कह रहा है क्या कभी है आप एक बंदर को बंदर के बच्चे को पालतू के रूप में रखे हैं वो करा कि टोटो तो इज अ बेबी मंकी टोटो एक टोटो तो का है एक बंदर का बच्चा है ठीक है अब कह रहा है कि देखिए लेट्स फाइंड आउट लेट्स फाइंड आउट लेट्स मतलब चलो फाइंड आउट का मतलब पता करते हैं लेट्स सी का मतलब चलो देखते हैं लेट्स रीड भने चलो पढ़ते हैं उसी लेट्स फाइंड आउट का मतलब चलो पता करते हैं वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल मिस्चीवियस का मतलब शैतान या शरारती जिसको कह सकते और डोसाइल का मतलब सज्जन ठीक है तो कह रहा है कि चलो पता करते हैं कि वेदर का मतलब चाहे ये चाहे कि चलो पता करते हैं कि चाहे कि वह जो है से सज् है या फिर कहा है शैतान है तो पता चलेगा तो देख सकते हैं ग्रैंड फादर बाउट टोटो सेकेंड पारा से लिया हूं टोटो वाजप प्र थर्ड पारा सेलवेज इस तरह से आपको क्या किया मैं हर एक पारा से एकक उठा लिया हूं आदमी रो देखिए फर्स्ट लाइन का रहा कि ग्रैंडफादर बाउट ग्रैंडफादर बाउट यहां से दो क्वेश्चन आपका बन, एक बन गया एक रहे नाम रहेगा आपको मार है जी? में अच्छा क्या है तो बेबी मंकी है तो बंदर का बच्चा है अभी दो क्वेश्चन आपको बना है कहता है यहां से कि ग्रैंडफादर फर्स्ट लाइन कि ग्रैंडफादर बाउट टोटो ग्रैंडफादर ने खरीदा किसको टोटो को फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर किसे टोंगा ड्राइवर से मतलब टांगा वाला ड्राइवर जो था उसको

ठीक है अच्छा उससे पहले जो है से टांगा ड्राइवर जो था उसको क्या करता था से उस बंदर को एक फीडिंग थ्रू होता है फीडिंग थ्रू का मतलब नाद होता है जिसको हम लोग देहात में मांद कहते हैं नाद कहते हैं ठीक है या चारा खिलाने वाला कह सकते हैं उसको तो फीडिंग थ्रू का मतलब मांद होता है या नाद जिसको कहते हैं तो वो जो टांगा ड्राइवर था उस बंदर को टोटो को एक फीडिंग थ्रू में बांध करके टाइट करके रखता था अब वो, वो, मतलब है स्ट्रेंज टाइप का बात है भी क्योंकि आप एक जहां पर बैल या दूसरे जानवर एक मान में बनाते हैं वहां पर एक बंदर को अगर बांध के रखा जाए तो बेतुका टाइप का लगभग करेगा स्ट्रेंजस टाइप का लगेगा इसलिए वो जब मान में बांध के रखता था तो वो ज़्यादा एक विचित्र टाइप के स्ट्रेंज टाइप का लगता था ठीक है कि मान एक इतना छोटा जानवर है उसको मांद में बांध के रखा है एक नाद में बांध के रखा है तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता था बेतुका लगता था इसीलिए दादाजी ने डिसाइड कर लिया कि इस बंदर को मैं खरीद लूंगा और अपने चिड़ियाघर को शोभा बढ़ाने के लिए इसको अपने चिड़ियाघर में क्या कर दूंगा डाल दूंगा ठीक है तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ला के बाद पता चला कि ग्रैंडफादर ने टोटो को किस से खरीदा तो टांगा ड्राइवर से कितना में खरीदा तो पाँच रुपया में खरीदा टांगा ड्राइवर उसको का में बांध के रखता था तो फीडिंग थ्रू मतलब नाद में बांध के बांध में बांध के रखता था ठीक है इसीलिए अति दादाजी ने क्यों टोटो को खरीदा तो अपने चिड़ियाघर को का करने के लिए शोभा बढ़ाने के लिए का किया उसने खरीदा था ठीक है अगला अगला फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा सेकेंड पैराग्राफ अगर मैं अब चल रहा हूँ है कि टोटो अ रेटी मंकी ट्रो ਟੋਟੋ

चमकीली आंखों में जो गहरी आंखें जीत उसमें शरारती भरा हुआ था ठीक है क्या हुआ था एंड हिज टीथ एंडली वाइट और उसकी जो दांत थे वो जैसा का थे चमकीला था इसीलिए उसको का बोला गया था मतलब उसको पेटी बोला गया क्योंकि उसकी आंख में शरारत भरा हुआ था और उसकी दांत एकदम मोतियों जैसा था ठीक है और का, का क्वालिटी बता रहे हैं अच्छा जब वो जब कभी भी हंसता था तो हंसने के दौरान जब वो हंसता था तो उसका पूरा दांत बाहर आ जाता था जिससे एंग्लो इंडियन जो औरतें थी ठीक है एंग्लो इंडियन लेडीज जो होती थी वो देख के डर जाती थी ठीक है इतना सारा चीज था इसीलिए उसको काम पेटी बोला गया इसके अलावा उसका पूछ भी था ठीक है जो कि क्या तीसरा हाथ के काम करता था तीसरा हाथ के काम करता था और दादाजी जो थे नरेटर के दादाजी उनका यह मानना था कि किसी भी जानवर क, का अगर पूछो तो उसकी शोभा को बढ़ा देता है ये तो उनके दादाजी को क्या करना था मानना था जब कभी भी कोई भी चीज़ उसको डिलीशियस फूड वगैरह कोई भी चीज़ उसको खाना रहता था टेबल पर से तो जहाँ उसका, उसका कोई भी डिलीशियस फूड उससे आउट ऑफ रीच होता था पहुँच से बाहर होता था तो उसको लाने के लिए क्या करता था अपने तेल का इस्तेमाल करता था इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बंदर की जो पूछ थी टोटो का पूछ वो तीसरा हाथ के काम करता था तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंदर का तीसरा हाथ के रूप में क्या काम करता था तो हेड टेल ऐसे करके दे देगा तो हम लोग क्या मार देंगे टेल जो था से थर्ड हैंड के एज ए थर्ड हैंड के रूप में क्या करता था काम करता था ठीक है उसका इसके अलावा जो था उसका हाथ जो था बहुत ज्यादा सूखा हुआ था ऐसा सूखा हुआ था मानो कि किसी ने पिकल पिकल बोले तो अचार ठीक है इतना सूखा हुआ था कि मानो कि किसी ने पिकल को का किया हो अचार को धूप में सुखाया हो इतना सूखा हुआ था और उसकी अंगु, अंगुलियां जो थी वो बहुत ज्यादा क्या था डिसेंट था और बहुत ज्यादा तेज था इतनी सारी क्वालिटी था इसलिए टोटो को का बोला गया है सुंदर बंदर बोला गया है ठीक है उसको खरीद करके दादाजी ले आते हैं ठीक है और लाने के बाद जो है अच्छा पहले होता क्या था कि जब की जब कभी भी यहाँ से एक लाइन दिया हुआ कि ग्रैंड मदर मतलब दादी ऑलवेज फ्यूज फ्यूज का मतलब सिर पर उठा लेना तो दादी जो थी हमेशा सिर पर उठा लेती लेती थी वेन ग्रैंड फादर ब्राउट होम जब दादाजी ला, घर लाते थे सम न्यू बर्ड और एनिमल्स किसी भी नए पक्षी को या जानवर को जब जा दादाजी घर पर लाते थे तो पूरा दादी क्या करती थी पूरा घर को सर पर उठा लेती थी मतलब लड़ने लगती थी ठीक है इसीलिए नरेटर ने और ग्रैंडफादर ने दोनों ने मिलकर किया, डिसाइड किया कि हम लोग तब तक इस बात को सेक्रेट रखेंगे मैंने तब इस बात को बताएंगे कि हम लोगों ने पाँच रुपया में एक बंदर को खरीदा है जब दादी का मूड अच्छा हो उस समय क्या करेंगे हम लोग बताएंगे ठीक है उन लोगों ने ये डिसाइड किया ये निर्णय लिया कि हम लोग ऐसा करेंगे ठीक है तो ये लाइन ती, तीसरा लाइन आपका क्लियर हो गया ठीक है अब उसको जब इतना डिसाइड करला के बाद जो है उस बंदर को ले जा कर के का किया नरेटर के जो रूम था उसमें दीवार पर बहुत सारे पेपर लगाया हुआ था उसका स्कूल का जो जैकेट ब्लेजर जो होता है कोट उस सब रखा हुआ था और उसी दीवार पर एक कील कर करके ठोक करके उस बंदर को कहा कर दिया गया बांध दिया गया ठीक है अब बांधने के बाद जो है उन लोग वहां से चल गया तब कह रहा कि अ फ्यू आवर्स कुछ समय के बाद बांध के चला गया अ तो फ्यू आवर्स कुछ समय बाद अ फ्यू आवर्स लेटर का मतलब हो गया कुछ समय बाद फ्यू लेटर हो जाएगा कुछ साल बाद ठीक मतलब तो है I, जब और मैंने, back, मैंने वापस आया तो जिसको छुड़ाने के लिए टोटो तो को वहां से छुड़ाने के लिए जब कुछ समय कुछ घंटे के बाद जब वो लोग दोनों दादाजी या नरेटर दोनों वापस आए तो देखा कि जो कील जो ठोका हुआ था उसको टोटो तो का कर दिया वहां से वहां नुँ, से अलग कर दिया है दीवार पर से कील को का कर दिया है अलग कर दिया है और जितनी भी दीवार पर जो पोस्टर जो पेपर वगैरह लगा था सब को का कर दिया फाड़ दिया अब सिर्फ दीवार की सीमेंट नज़र आ रहा है पूरा उसका जो पेंट वगैरह था सब उसको मतलब अपने नाखून से उसको का कर दिया खरोच दिया ठीक है अब सिर्फ सीमेंट नज़र आने लगा इतना खरोच दिया था और उसके जो स्कूल का जो ब्लेजर था स्कूल का जो जैकेट था उसको फाड़ फाड़ के एकदम पूरा उसको का कर दिया पूरा एकदम फाड़, फाड़ को उसको क्या कहते हैं कि कतरन होता है ना उस टाइप में उसको का कर दिया बना दिया बना ठीक है अब जो है से नरेटर डरने लगा कि दादी क्या बोलेगी अब ठीक है तो लेकिन दादा जी बोले कि डोंट डोंट वरी चिंता मत करो ठीक है इतना करने के बाद जो है दादाजी बोले कि इज कलीवर ठीक है वो कहा है चलाक है मैंने उसके एक्शन को उसके कारनामे को इतना सारा नुकसान कर दिया फिर भी दादाजी बोले कि ही इज वह कहा चलाक है सेड किसने कहा दादा कहा दादाजी ने कि वह है? चलाक है टाइम आई एम श्योर दैट करा कि यदि कुछ समय और मिल जाता तो मुझे निश्चित है मैंने मुझे पक्का ये विश्वास है कि यह कहा करता तुम्हारे जो जैकेट था कोट था उसका रस्सी बनाता और रस्सी बना करके खिड़की के माध्यम से कहा हो जाता भाग जाता ठीक है मुझे पक्का विश्वास था ये थोड़ा सा समय देते दे तो ऐसे वो करता ठीक है तब इसके बाद जो है उसको किया गया से से उठा करके वहां से, और जो सर्वेंट्स नौकरों का कमरा होता है वहां पर ले जाकर उस बंदर को रख दिया गया तो जहां पर उस नौकर के कमरे में जब उस बंदर को रखा गया तो वहां पर क्या क्या रहता था एक टोट्राइज होता था टोट्राइज ठीक है एक कछुआ एक कछुआ होता था अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ा वहाँ पर का था खरगोश था अ टेम स्क्वायरल और क्या थी गिलहरी थी एंड अ फोर अ वाइल माय पेट गॉट और उसकी जो क, नरेटर का जो फिर प, फेवरेट जो थी पेट था जानवर था वो कौन सा था बकरी ठीक है यहां से आप इस बात को याद रखेंगे तो वहां, रखा, रख, रख दिया गया, ठीक है? तो वहां किसी भी जानवर को कहा करता रात में सोने नहीं देता था ठीक है किसी भी जानवर को रात में नहीं सोने देता था इसीलिए जब दादाजी को देखिए अब भी जो है इतना होने के बावजूद भी जो है ही प्रेजेंस इन हाउस स्टील अ सेक्रेट इतना होने के बावजूद भी है जो है से उसकी उपस्थिति को घर में कहा रखा गया अभी भी सेक्रेट रखा गया था ठीक है इतना जब जानवर को नहीं सोने दिया तो दादाजी को एक बार जाना था अपने पेंशन के लिए देहरादून से सहारनपुर ठीक है तो दादाजी क्या किए से उस बंदर को भी का कर लिए से से अपने साथ देहरादून जो है सहारनपुर का कर गए पेंशन ले जा, पेंशन के लिए जा रहे थे तो उसको भी साथ में ले लिए और तो, 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 टोटवाइस को भी ले लिए मतलब कछुए को भी ले लिए दो जानवर को साथ में लेकर के वो चल दिए ठीक है तो कहा रहे यहां से अगला लाइन करा रहा है अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट ए कंपनी ग्रैंडफादर On that trip. करा कि unfortunately का मतलब प्रणाम स्वरूप जिसको कहते हैं। I could not company, मैं साथ नहीं दे सका। Grandfather मैंने मैंने दादा को। on that trip मैंने, उस ट्रिप में, ठीक है? जब वहां पर के लिए जा रहे थे कहा तो जा रहे थे तो कहा सहारनपुर जा रहे थे तो उस समय उस ट्रिप में का नहीं सका लेकिन उसके बाद

ट कार्टून का मैंने कूट का और किनारे किनारे एक मजबूत टेरपोलिन जो तिरपाल होता है उसको किनारे किनारे दे दिया और उसके अंदर पुआल डाल दिया और डालना के बाद जो उसके अंदर को मैं टोटो को उसमें रख दिया ठीक है और ऐसा रख दिया कि उसके जो टॉप पार्ट जो होता है बैग के वहाँ तक मैंने ऊपर वाला भाग तक भी वो नहीं आ सकता था और उसको मैंने पैक कर दिया ठीक है अब पैक कर दिया तो वो जब स्टेशन पर गया तो पैक करने की वजह से वो क्या होता है बाहर निकलने की कोशिश करता था तो होता था

टोटो रिमेंड इन द बैग टोटो रिमेंड मने, राहा इन बैग, बैग में एस एस पर सहारनपुर कहां तक सहारनपुर तक ना? तो टोटो सहारनपुर तक बैग ही में रहा लेकिन जैसे ही टिकट कलेक्टर से वो टिकट लेने की बारी आया वो कहा हो गया एकदम से निकल करके बाहर आ गया ठीक है जब बाहर आया तो वो अति टिकट कलेक्टर बोला कि ये आपके पास कुत्ता है ठीक है इसका भी का फेयर लगेगा इसका भी भाड़ा लगेगा ठीक है तो बोला कि नहीं कुत्ता नहीं है ये बंदर है ठीक है तो बोला वो तो कलेक्टर टिकट कलेक्टर बोला कि नहीं कुत्ता है चार पैर वाला इसका भी का लगेगा टिकट लगेगा ठीक है तो तुरंत उसको का किया से तीन रुपया जो है से का किया उसको टिकट कलेक्टर को का करता टिकट कलेक्टर जो है उसको तीन रुपया में टिकट दिया और फिर ऐसे दादाजी कहा कि कछुए को थैले में से निकाल कर बोला किसका भी भाड़ा लगेगा तो बोले कि नहीं ये का है ये डॉग नहीं है कुत्ता नहीं है इसलिए इसका भाड़ा नहीं लगेगा तो जैसे ही निकला था करा कि मैं मैंने बेचारा बैक टेकिंग दंग रह गया ठीक है जैसे ही निकला तो बेचारा का हो गया दंग रह गया ठीक है और जब निकाल के जब फिर कछुए को निकाल के देखा तो करा के टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द तोर ट्वाइज टोर ट्वाइज है ना कह रहा है कि जो टिकट कलेक्टर था लुक्ड क्लोजली एट ध्यान से सट के लुकडली देखा किस तो ट्वाइज पर देखा ठीक है तो देखा कि नहीं ये डॉग नहीं है कुत्ता नहीं है इसीलिए इसका टिकट नहीं लगेगा अब जो घर में क्या होता है दादी को पता चल जाता है कि ये एक बंदर को लेके आए हैं तो क्या क्या घटना घटता है सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे अब तक सिर्फ आपको ये याद रखना है कि द एडवेंचर ऑफ टोटो को किसने लिखा तो रस्किन ने अच्छा टोटो क्या है तो बेबी मंकी है अच्छा ठीक है टोटो को किसने खरीदा तो ग्रैंड फादर ने खरीदा किससे खरीदा तो ड्राइवर से कितना में खरीदा तो पांच रुपया में, में, तो में अच्छा, ग्रैंड फादर ने क्या डिसाइड किया किस लिए बंदर को खरीदा तो ग्रेस हिज गार्डन तो क्या करने के लिए अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए अपने चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाने नहीं के लिए उसने बंदर को खरीद लिया ठीक है अच्छा किससे बात को सेक्रेट रखा गया तो दादी जी से कहा सेक्रेट सेक्रेट फाड़ दिया तो तो था? था, चलाक था इतना नुकसान होने के बाद भी दादाजी बोले ऐसा ठीक है अच्छा याद रखिएगा क्या नरेटर जो है उस ट्रिप पर गए थे देहरादून से सहारनपुर तो नहीं गए थे दादाजी देहरादून से कहा जा रहे थे टिकट कलेक्टर